मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात दहम नज़्म नंबर 5, किसान के शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताखीर लेक्चर का बकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता लेक्चर के आगाज़ में आपको बताया गया था कि ये पैराग्राफ जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ज़ाहिर हो रहा है, आप किसी भी शेर की तशरीह से पहले इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं और इसे आप तशरीह का हिस्सा ही समझिए। अब हम शेर नंबर 3 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। जलवा कुदरत का शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह, माह का दिल, महर आलम ताब का नूरे निगाह। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। जलवा कुदरत, कुदरत के मनाजिर, शाहिद गवाह, हुस्न फितरत, फितरत की खूबसूरती, माह चांद को कहते हैं, महर आलम ताब दुनिया को चमका देने वाला सूरज, चमकाने वाला सूरज, नूरे निगाह आँखों का नूर। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह होगा कि किसान कुदरती नज़ारों और फितरत की खूबसूरती का गवाह है। जलवा कुदरत का शाहिद और हुस्न फितरत का गवाह। माह का दिल, महर आलम ताब का नूरे निगाह, यह किसान चांद का दिल है और महर आलम ताब यानी सूरज का नूरे निगाह है, आँखों का नूर है। आइए अब इस शेर की तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा, तशरीह तलब शेर में शायर ने बहुत ही मुनफरिद अंदाज में किसान की मेहनत और मशक्क़त का एतराफ़ करते हुए उसे खराज तहसीन पेश किया है। शायर कहते हैं कि किसान चूँकि सुबह सवेरे मुँह अंधेरे अपने काम काज के लिए उठ खड़ा होता है और ग़ुरूब आफ्ताब तक मुसलसल मेहनत और मशक्क़त करता है, चुनाचे वह सुबह की सफ़ेदी के नुमाया होने से लेकर शाम की सुर्खी के तारीकी में बदल जाने तक अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार जलवों को अपनी आँखों से देखता है। रात की तारीकी का सुबह की रोशनी में बदलना, सुबह सुबह बाद नसीम का चलना, बाद नसीम से दरख्तों, पत्तों और डालियों का झूमना, सूरज की किरणों का ज़मीन पर पड़ते ही हर जानिब उजाला कर देना, सूरज का पूरी आबोताब से चमकना और फिर रफ्ता रफ्ता दूर फसलों के एक वसीओ अरीज समंदर के पीछे आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होना, आसमान पर सुर्खी यानी शफक का फैलना और फिर रात की तारीकी में डूब जाना, ये सब कुछ किसान अपनी आँखों से देखता है जबकि बाकी लोग अपने कामकाज में इमारतों के अंदर बैठे इन सब मनाजिर फितरत से महरूम रहते हैं। किसान चांदनी रातों में भी अपनी मेहनत और मशक्क़त जारी रखता है, चुनाचे शायर का मौक़िफ़ है कि सूरज और चांद को भी किसान की इस मेहनत पर रश्क आता है। इसी बिना पर शायर ने दूसरे मिसरे में किसान को चांद का दिल करार दिया कि चांद को भी किसान से मोहब्बत होती है और जिससे मोहब्बत होती है उसे दिल में बसा लिया जाता है, जबकि किसान को सूरज की आँखों का नूर करार देने की वजह यह है कि किसान सूरज के साथ बेदार होता है और सूरज के गुरूब होने तक वह उसके हमराह काम में मगन रहता है। जोश मलिह आबादी ही का शेर है कि कल्ब पर जिसके नुमाया नूर व जुल्मत का निज़ाम, मुनकशिफ जिसकी फिरासत पर मिजाज सुबह शाम। आइए अब शेर नंबर 4 मुलाहिजा कीजिए। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आँच बन जाती है सैले रंगबू। मुश्किल अल्फाज के माने देखिए। लहर खाना, बल खाना, चलना फिरना, रगे खाशाक घास की रग या घास के रेशे, लहू का मानी खून, आँच आग, गर्मी या हरारत या तपिश, सैल सैलाब और रंगबू का मानी है रंग और खुशबू। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह होगा कि खेत में उगने वाली घास और तिनकों में भी किसान के दिल का खून गर्दिश करता है। लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू और जिसके दिल की आँच बन जाती है सैले रंगबू, यानी किसान के दिल की हरारत, तपिश, वो रंग और खुशबू का सैलाब बरपा कर देती है। इससे रंग और खुशबू का सैलाब वजूद में आता है। आइए अब शेर की तशरीह समझते हैं।
तशरीह तलब शेर में शायर ने किसान की मशक्क़त भरी ज़िंदगी को एक नए जाविये से बयान करते हुए खिराज अकीदत पेश किया है। शायर कहते हैं कि किसान इस कदर मेहनत और मशक्क़त से काम लेता है कि खुश्क घास के रेशों में भी उसका खून दौड़ता फिरता है, यानी किसान अपने खेतों में इस कदर मशक्क़त से काम करता है कि अपना खून पसीना एक कर देता है। जब मशक्क़त से उसका पसीना बहता है तो उसमें उसका लहू भी शामिल होता है, इसलिए यह कहना बजा है कि खुश्क घास और बंजर ज़मीन किसान के लहू और पसीने से ही सरसब्ज़ो शादाब होती है। किसान एक अजीम हस्ती है कि उसके दिल की आग और हरारत से फूलों और फलों में रंग और खुशबू का सैलाब दौड़ जाता है। अगर फूल खुशनुमा और खुशबूदार हैं तो किसान की मेहनत से, और अगर फलों में जायका और मिठास है तो ये भी किसान की मशक्क़त की बदौलत है। गर्ज़ कायनात में कुदरत के हुस्न को किसान ही की मेहनत से चार चांद लगते हैं। इस तरह एक तरफ किसान कायनात के हुस्न और मुल्की तरक्की में इजाफा करता है तो दूसरी जानिब उसका खून पसीना उसके बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल के हुसूल का सबब बनता है। जोश मलिह आबादी ने ही अपने एक शेर में कहा कि किसान एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी मेहनत का अरक तैयार करता है शराब, उड़ के जिसका रंग बन जाता है जहाँ पर वर गुलाब। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू जमात दहम नज़्म किसान के शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4 की तशरीह समझने की कोशिश की। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी अशार की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।